सॉलिड एवरीबॉडी इट्स सो एडजेक्टिव विद द न्यू फ्रेश वीडियो गाइस। मेरा एक पहले मेरे दो व्लॉग आ चुके हैं, एक मेरा ओम घाट वाला था और एक ये फोटोशूट के लिए। ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे अपनी एक फोटो खींचनी है, क्योंकि उधर साइड का मुझे व्यू लेना है कि वहाँ का व्यू अच्छा है कि नहीं। अगर होगा तो वहाँ पर फोटोशूट करेंगे, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। तो गाइस क्या कह रहे हैं, फिर चलते हैं और देखते हैं। राहुल यही रास्ता है ना यहाँ से जाने का, यही रास्ता है ना? हाँ भैया, यही पास से। भाई वैसे भी पूरा जंगल एरिया है यहाँ पास, थोड़े बहुत घर बनने वरना पहले सुनसान रास्ता था, ये गली है, यहाँ से हम लोग को जाने से सीधे। तो गाइस मुझे यहाँ पास भी कुछ लोग हैं, देख के हंस भी रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी से मतलब, मुझे अपने फ्यूचर से मतलब है। तो गाइस ये रास्ता है, अभी यहाँ से हमको जाना है उधर साइड से, उधर साइड से जाने के बाद हम लोग उधर से निकलेंगे उस गली से, फिर वो जगह हम लोग पहुँचे। तो गाइस चलो चलते हैं, एंड व्यू तो उसका देखते हैं। इंतजार करने की जरूरत बाबाकोटी पहुंच चुके हैं, इंतजार करने की जरूरत नहीं। और व्यू आप देख ही सकते हैं फोटोशूट के लिए, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि फोटोशूट लेगा हमका, लेकिन यहाँ का तो है पर है व्यू। चलो चलते हैं और फोटो खींचता फोटो खींचने, पहले आप कौन लोग मंदिर दिखा देते, मंदिर के अंदर है कुछ होगा कि नहीं। वैसे वहाँ के लौंडे मुझे चढ़ा रहे, देख के कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अपने वालों को हाथ नहीं दो। चलते हैं, चलो बाबाकोटी के अंदर चलते हैं, देखते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं। तो गाइस हमने पहुँच चुके हैं बाबाकोटी मंदिर, यहाँ पर फोटो देख रहे हैं हम लोग को तेज हो, लेकिन आराम से हम लोग करना पड़ रहा क्योंकि वीडियो बनाना तो अलाउड होता नहीं है। हम क्या करेंगे, आप लोग मैं अपने लिए बना रहा हूँ वीडियोज बना रहे, तभी थोड़ी हम आराम से होना छुट्टी से अंदर आना। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अलग सब्सक्राइब करो। चलते हैं, देखते हैं को ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर, इनके कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन वो बस अलग सामान है यहाँ पास, लकड़ियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा पुरानी मंदिर के अंदर, वापस चाहे सो रहे हैं लेकिन क्या करें, आराम से लेकर आना ठीक है। देखा है पत्थर भी देखिए उतरा रहा है, बहुत ही पुराना पत्थर है। टच मत कर, टच मत कर, टच मत कर। राम जी का पत्थर है यहाँ पर, बोला जाता है कि कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए श्री राम जी का। आराम से तो चलो चलो, कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, राम जी का पत्थर है यहाँ पर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से लोग आते हैं वीडियो ना चल चलते ट्रैफिक कल से यहाँ पर टच करना किसको ना, लेकिन कल तो सारे टच करके बाहर चलते हैं और फोटोशूट ले सकते हैं। राहुल ने यहाँ का तो हार गया, मेरे को 100 रुपए तो देने पड़ेंगे बेचारे। चलो चलो वाले पेड़ दिखाते हैं, गाइस वाला पेड़ हम लोग देखते हैं, काफी लंबा चौड़ा पेड़ है, लंबा चौड़ा तो यही लंबा चौड़ा पेड़ है।
यहाँ पर होता है ठंडियों में तो अच्छा नहीं लगता है यहाँ पास बैठने में, लेकिन अगर आप गर्मी में कभी यहाँ पर आओ तो यहाँ का एंजॉयमेंट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो रेन का ऊपर दिखाइए, मतलब आप ये सब पेड़ देखते ही रहते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझको यही अच्छा लगता है एक पेड़ मुझे अपने फतेहपुर के अंदर लगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे अभी हम लोग पूरी जगह घूमनी है, अभी हम लोग पूरी जगह घूमी है कि गाइस घूम कर आते हैं। जब तक के लिए गाइस मेरा अभी मेरे चैनल में एक ओम घाट की वीडियो पड़ी है, तो वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ पर भाप बहुत और वो पूरा चट्टेदार बहुत ऊँची जगह है। ठीक है, वो देखो पागल कह के चलेगा मुझे फिर से गाइस, लेकिन कल भी जा सकते हैं वीडियो ना तंग थोड़ी में आता हूँ। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरा, प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक प्लीज देखो खुश रहो। I'm not afraid of the dark.